हे गाइज, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, ये है लिब्रे ऑफिस राइटर का ट्यूटोरियल नंबर 8। अगर आप अभी तक ट्यूटोरियल नंबर 7 नहीं देखें तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, इंसर्ट हाइपर लिंक, इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट, इंसर्ट बुकमार्क, इंसर्ट कमेंट, शो ट्रैक चेंजेस फंक्शन, इंसर्ट लाइन, इंसर्ट बेसिक शेप एंड शो ड्राफ्ट फंक्शंस, इन सभी ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। ओके, तो दोस्तों ये है स्टैंडर्ड टूल बार का पार्ट 4। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे है आपका इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट में मैंने यहाँ पे टाइप किया इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर। इसके लिए आपको जाना है आपके स्टैंडर्ड टूल बार में, और स्टैंडर्ड टूल बार में जाने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे लिखा है इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, तो आपको यहां पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पे लिखा है फेवरेट, और नीचे यहां पे लिखा है रिसेंट। तो रिसेंट में यहाँ पर हाल में खोले गए यहाँ पर आपको कैरेक्टर शो करेंगे, और ऊपर आपको यहाँ पर फेवरेट में आपको यहाँ पर कॉपी राइट, इसके बाद सिग्मा, ये सब आपको यहाँ पर कैरेक्टर शो करेंगे। आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये डायरेक्टली यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है आपके पेज पे। पेज पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। ओके, अगर आपको कोई दूसरा यहाँ पे कैरेक्टर लेना है तो उसके लिए आप फिर से यहाँ पे क्लिक करिए। इसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा है मोर कैरेक्टर्स, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर के नाम से एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। ओके, इसके बाद यहाँ पे राइट साइड में आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रॉल बार आपको यहाँ पे मिलेगा, इससे आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको जो भी इसमें से कैरेक्टर लेना है उस पर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर कोई भी एक कैरेक्टर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर किया है पीसो साइन। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका नाम भी आपको यहाँ पर दिखाएगा। आप अगर इस साइन के बारे में नहीं जानते या तो इसका नाम नहीं जानते तो आप यहाँ पर वन क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे इसका नाम भी शो कर देगा, जिसे आप यहां पे देख सकते हैं जो हम लोग आरएस लिखते हैं ये रूपी साइन का होता है, ठीक है, आप देखे भी होंगे। ओके, तो मैंने यहां पे लिया इसमें पीसो साइन, और मैंने यहां पे नीचे आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे लिखा है इंसर्ट, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पीसो साइन यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। ओके, तो ये था हमारा इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर ऑप्शन। ओके, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया है इंसर्ट हाइपरलिंक। इसके लिए आपको जाना है आपके स्टैंडर्ड टूल बार में। इसमें जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर था उसके राइट साइड में आपको यहाँ पे मिलेगा इंसर्ट हाइपरलिंक का एक ऑप्शन। इंसर्ट हाइपरलिंक का शॉर्टकट की है Ctrl+K। अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+K बटन प्रेस करते हैं तो ये हाइपरलिंक ओपन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक बार क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे हाइपरलिंक का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ओके, हाइपरलिंक पे आपको यहां पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट एंड न्यू डॉक्यूमेंट। ओके, आप यहां पे क्लिक करके आप इंटरनेट का भी कोई आप यहां पे लिंक दे सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप किसी मेल का लिंक दे सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप किसी डॉक्यूमेंट का दे सकते हैं, या तो यहाँ पर क्लिक करके आप एक नए डॉक्यूमेंट का भी दे सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर। इसके बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में मिलेगा फाइल टाइप्स, तो आपको यहाँ पे अपना फाइल टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करके आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ये राइटर का, इसके बाद आप यहाँ पे कैल्क, इसके बाद इम्प्रेस, ड्रा, आप इन सभी का भी आप यहाँ पे पेज ले सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर चाहिए इसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर का एक डॉक्यूमेंट। ओके, इसके बाद यहाँ पर लिखा है फाइल, तो फाइल में आपको यहाँ पर नाम टाइप करना है, क्योंकि आप जब भी उस लिंक को आप क्लिक करके ओपन करेंगे तो वो फाइल आपका डायरेक्टली सेव हो जाएगा। ओके, इसलिए आपको यहाँ पे नाम टाइप करना है पहले से ही, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई नाम टाइप कर दिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम टाइप किया माय डॉक्यूमेंट। ओके, मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया माय डॉक्यूमेंट। आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है एडिट नाउ, आप यहाँ पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है एडिट लेटर, आप यहाँ पर क्लिक करके इसको बाद में भी आप एडिट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको एडिट कर लिया। एडिट करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे अप्लाई का, आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई का, तो आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, और कुछ देर बाद यहाँ पर ये रिलोड होकर आपको यहाँ पर एक लिंक भी आपको यहाँ पर प्रदान कर देगा। ओके,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे एक लिंक तैयार हो गया। मैंने वहाँ पे नाम टाइप किया था माई डॉक्यूमेंट डॉट ओ डी टी, इसका एक्सटेंशन है। ओके, तो जब आप इस लिंक के ऊपर लेकर जाएंगे अपना कर्सर, तो यहाँ पे ये कहेगा कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। ओके, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल दबाना है। इसके बाद आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है CTRL बटन जो आपके कीबोर्ड में, उसको प्रेस करने। इसके बाद आपको अपने माउस से एक बार इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया पेज आपका ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे टाइटल में आपके पेज का नाम दिखेगा माई डॉक्यूमेंट डॉट ओ डी टी। ओके, तो ये था हमारा हाइपर लिंक ऑप्शन। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ओके, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया है यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट। ओके, इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ नाम टाइप कर लिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया गुड। ओके, मैंने यहाँ पे टाइप किया गुड। गुड नाम टाइप करने के बाद मैंने इसको क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। नाम को करना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है स्टैंडर्ड टूल बार में, और यहाँ पे आपको इंसर्ट हाइपर लिंक के राइट साइड में आपको यहाँ पे मिलेगा इंसर्ट फुट नोट का एक ऑप्शन, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये आपका फुट नोट इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे नाम टाइप किया था गुड और मैंने उसको सेलेक्ट किया था। ओके, तो इसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फाइन, क्योंकि आप जानते हैं कि फाइन मतलब भी अच्छा होता है और गुड मतलब भी अच्छा होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा फाइन। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बार बाहर की तरफ क्लिक कर दिया। बाहर की तरफ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है स्क्रॉल डाउन करके टॉप में। टॉप में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं गुड के राइट साइड में यहाँ पे लिखा है वन, मतलब इसमें एक फुट नोट यहाँ पे जोड़ा गया है। ओके, इसके बाद अपना कर्सर जब भी इसके ऊपर आप यहाँ पे लेकर जाएंगे तो यहाँ पे राइट साइड में टाइप होगा फाइन। ओके, तो फुट नोट ऑप्शन से आप किसी एक वर्ड में आप एक से ज़्यादा वर्ड जोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गुड के अंदर फाइन को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ओके, तो ये था हमारा इंसर्ट फुट नोट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है इंसर्ट इंड नोट। ओके, तो यहाँ पे जो फुट नोट है ये यहाँ पे, इसके लिए आपको नीचे ऑप्शन खुलेगा फुट नोट जोड़ने के लिए। अगर आप इंड नोट का प्रयोग करते हैं तो ये इस कर्सर के जस्ट डाउन साइड में ओपन होता है। तो मैंने यहाँ पे कोई दूसरा नाम टाइप कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया नाइट। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया नाइट। इसके बाद मैंने इसको कर लिया सेलेक्ट। नाइट नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है आपके स्टैंडर्ड टूल बार में। स्टैंडर्ड टूल बार में जाने के बाद यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट के राइट साइड में आपको यहाँ पे मिलेगा इंसर्ट इंड नोट का एक ऑप्शन, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे इंड नोट का एक ऑप्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे एक कर्सर भी आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कोई नाम टाइप करना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया डार्क, क्योंकि नाइट मतलब रात होता है और डार्क मतलब ही अंधेरा होता है, रात होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया डार्क। इसके बाद मैंने यहाँ पे बाहर क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे जाना है टॉप साइड में। टॉप साइड में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाइट में एक एंड नोट भी यहाँ पे लग गया है। ठीक है, इन सभी का सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे गुड में लगाया था इंसर्ट फुट नोट, इसमें यहाँ पे डायरेक्टली वन नंबर टाइप है। लेकिन आप जो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पे नाइट में लगाया है इंसर्ट इंड नोट, इसमें यहाँ पे रोमन अंक का वन सेलेक्ट है। ओके, तो इसका ये सिंबल है। तो इंसर्ट फुट नोट का सिंबल है वन और इंसर्ट इंड नोट का है रोमन अंक में वन। ओके, इसके बाद मैंने अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पे इसके नाम के ऊपर मैं यहाँ पे लेकर चला गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एंड नोट डार्क। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नाइट वर्ड है इसमें एक वर्ड यहाँ पे जुड़ गया है जो यहाँ पे है डार्क, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा इंसर्ट एंड नोट ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया है यहाँ पे इंसर्ट बुक मार्क। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। मान लीजिए आप कोई भी यहाँ पे पैराग्राफ रीड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने इस नाम को किया सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके मैंने इसको क्या किया कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, तो मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे दो तीन लाइंस में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अभी। ओके, ठीक है। मान लीजिए आप इस पैराग्राफ को रीड कर रहे हैं, रीड करते करते आप मान लीजिए यहाँ पे आ गए यूट्यूब के यहाँ तक। ओके, तो आप रीड करते करते आप यूट्यूब के यहाँ तक आ गए। ठीक है, इसके बाद आप चाहते हैं कि यहाँ पे जितना भी यहाँ पे नीचे का वर्ड है, कैरेक्टर्स हैं, इन सभी को मैं अगले दिन पढ़ूंगा। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ रीड किया है, इसके बाद मैं यहाँ पे स्टॉप हो गया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी एक चिन्ह लगा दूँ, ताकि हमें पता चले कि यहाँ तक मैंने पढ़ा था और यहाँ से मुझे पढ़ना स्टार्ट करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ओके, तो कर्सर को आपको वहीं पे रखना है जहाँ पे आप स्टॉप किए हैं, और यहाँ पे रखने के बाद आपको जाना है यहाँ पे टॉप साइड स्टैंडर्ड टूल बार में। स्टैंडर्ड टूल बार में जाने के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट इंड नोट के राइट साइड में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट बुक मार्क। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया।
इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बुक मार्क का एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है बुक मार्क वन, तो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे कोई नाम टाइप कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया रीडिंग। ओके, मैंने यहाँ पे टाइप किया रीडिंग, इसके बाद मैंने इसको यहाँ से इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे जो मेरा बुक मार्क है ये यहाँ पे सेट हो गया है। मान लीजिए आप इसको फिर से ओपन करते हैं अपने पैराग्राफ को, और ओपन करने के बाद आपका कर्सर आपके यहाँ पे इसके लास्ट में है, ठीक है। मान लीजिए ये इसके लास्ट में है। ओके, अगर आपको पता नहीं कि आपने जो पैराग्राफ रीड किया था वो कहाँ तक किया था और इसके बाद आपको कहाँ से इसको रीड करना स्टार्ट करना है, ओके, अगर आप इसमें बुक मार्क लगाए हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है आपके स्टैंडर्ड टूल बार में। स्टैंडर्ड टूल बार में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट बुक मार्क का, तो आपको यहीं पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है पेज वन नेम रीडिंग, इसके बाद टेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है चैनल टेक देव, इसके बाद यहाँ पे हिडन में नो लिखा है, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मैंने अभी यहाँ पे बुक मार्क को लगाया था वो रीडिंग के नाम से यहाँ पे लगाया था और सेव किया था, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे गो टू का, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे क्लिक करके क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको जाना है अपने पेज के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कर्सर आ गया है। ओके, तो आप जहाँ पर भी बुक मार्क आप लगाए थे वहाँ पर ये कर्सर आ गया है, ठीक है, मतलब आपको यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करना है। ओके, तो ये था हमारा इंसर्ट बुक मार्क ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया इसमें इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन। ओके, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कोई भी नाम टाइप करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई नाम टाइप कर दिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इंडिया। ओके, मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया इंडिया। इंडिया नाम टाइप करने के बाद मैंने इस नाम को किया सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार में। स्टैंडर्ड टूल बार में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा इंसर्ट कमेंट का एक ऑप्शन, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी है। ओके, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक कमेंट का एक बॉक्स खुल जाएगा। इसके बाद आपको इंडिया के बारे में जो भी कुछ नाम टाइप करना है आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया आई लव माई इंडिया। ओके ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये नाम टाइप कर दिया। तो ये था हमारा इंसर्ट कमेंट ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया है शो ट्रैक चेंजेस फंक्शन। ओके, इसके लिए आपको जाना है आपके स्टैंडर्ड टूल बार में। स्टैंडर्ड टूल बार में जाने के बाद इंसर्ट कमेंट के राइट साइड में आपको यहाँ पे मिलेगा शो ट्रैक चेंजेस फंक्शन, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक चेंजेस का फंक्शन यहाँ पे शो कर दिया। ओके, तो ये है ट्रैक चेंजेस का फंक्शन। तो आप शो ट्रैक चेंजेस फंक्शन के ऊपर क्लिक करके आप उसका फंक्शन यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया है इंसर्ट लाइन। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा आपके स्टैंडर्ड टूल बार में। स्टैंडर्ड टूल बार में जाने के बाद यहाँ पे शो ट्रैक चेंजेस फंक्शन के राइट साइड में आपको यहाँ पे मिलेगा इंसर्ट लाइन का एक ऑप्शन, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही ये ऑप्शन आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको जाना है आपके पेज के ऊपर। पेज के ऊपर जाने के बाद आपको इस लाइनिंग को यहाँ पे ड्रा कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस लाइनिंग को ड्रा कर दिया। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था हमारा इंसर्ट लाइन ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया है इंसर्ट बेसिक शेप्स। ओके, इसके लिए आपको जाना है आपके स्टैंडर्ड टूल बार में। स्टैंडर्ड टूल बार में जाने के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट लाइन के राइट साइड में मिलेगा इंसर्ट बेसिक शेप, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी बेसिक शेप आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे किसी भी एक सेव के ऊपर क्लिक करिए। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है आपके पेज के ऊपर। पेज के ऊपर जाने के बाद आपको इसको यहाँ पे ड्रा कर देना, तो मैंने इसको यहाँ पे ड्रा कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो ये था हमारा इंसर्ट बेसिक शेप्स ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे दिया है शो ड्रा फंक्शन। ओके, तो देखिए क्या होता है शो ड्रा फंक्शन। इसके लिए आपको जाना है आपके स्टैंडर्ड टूल बार में। स्टैंडर्ड टूल बार में जाने के बाद यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा शो ड्रा फंक्शन के नाम से। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा आपका शो ड्रा फंक्शंस के नाम से एक ऑप्शन। तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट कलर है। अब जब इसके ऊपर क्लिक करके तो यहाँ पे ये हाईलाइट कलर हट जाएगा, मतलब जो आपका ड्रा फंक्शन था ये अभी यहाँ पे हाइड हो गया है। आप यहां पे देख सकते हैं नीचे आपका जो यहां पे एक टूल बॉक्स शो कर रहा था ये यहां पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है।
अगर आपको इस टूल बॉक्स को शो करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको स्टैंडर्ड टूल बार में। स्टैंडर्ड टूल बार में जाने के बाद यहाँ पे लिखा है शो ड्राफ्ट फंक्शंस, आपको एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आपका ड्राफ्ट फंक्शंस यहाँ पे शो कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा शो ड्राफ्ट फंक्शंस। तो आप शो ड्राफ्ट फंक्शंस ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करके आप इस ऑप्शंस को यहाँ पे आप शो और हाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये थे लिब्रे ऑफिस राइटर के कुछ ऑप्शंस जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।